देर रात ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक 25,000 की नामी बदमाश को पकड़ लिया गया, जबकि एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाश का नाम रोहित उर्फ जीवा है, जो मुठभेड़ के समय पुलिस की गोली से घायल हो गया था। बताया गया कि जब पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के समय बाइक पर सवार दोनों बदमाशों को रुकने का इशारा किया, उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पकड़े गए बदमाश पर लूटपाट की कई वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं फरार आरोपी की तलाश जारी है। बदमाशों को जब रोका गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर करके भागने का प्रयास किया। उनको पुलिस पार्टी ने रोका, जिसपे उन्होंने फायर किया पुनः, जिसमें पुलिस के द्वारा भी गोली चलाई गई, जिसमें एक गोली उसके पैर में लगी। एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है, एक बदमाश भागने में सफल हुआ है। आज की ताजा खबर जारी है, मैं हूं किशोर अजवान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले मेहरौली आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव के काफिले पर फायरिंग हुई, जिसमें पार्टी के अशोक मान नाम के कार्यकर्ता की मौत हो गई, एक कार्यकर्ता घायल है। बताया गया कि गोलीबारी की यह घटना उस समय हुई जब नरेश यादव चुनाव में जीत हासिल करने के बाद मंदिर से वापस लौट रहे थे। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस हमलावरों को पकड़ने में जुट गई है। पीछे से अचानक आवाज़ आई पट पट कट की, तो हमें लगा कि शायद पटाखे उठाके हैं, क्योंकि बीच में भी पटाखे एक दो बार छूटे थे। तो फिर एकदम से जो ड्राइवर था उसने गाड़ी लेफ्ट को घुमा दी, उन्होंने कहा भाई गोली चली है। तो हम लोग नीचे की तरफ बैठ गए, भागी गाड़ी भगाई, वो दो लोगों को उसमें गोली लगी, जिसमें कि अशोक मान जी की डेथ हो गई है और एक हरिंदर है वो घायल है, उनको भी गोली लगी है। वहीं गोलीबारी के बाद आप नेता संजय सिंह ने ट्वीट किया और दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि मेहरौली विधायक नरेश यादव के काफिले पर हमला, अशोक मान की सरेआम हत्या, ये है दिल्ली में कानून का राज। मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे नरेश यादव। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की बंपर जीत ने एक बार फिर विरोधी दलों को चौंका दिया। आम आदमी पार्टी की जीत के आगे तमाम राष्ट्रीय मुद्दे बौने साबित हुए। इसी के साथ दिल्ली में तीसरी बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया और इस जीत ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर का माहौल ही बदल दिया। चारों तरफ अरविंद केजरीवाल के नारों का शोर सुनाई देने लगा। केजरीवाल जब मंच पर आए तो भीड़ में शामिल लोग जोश से भर गए। अरविंद केजरीवाल ने हाथ हिलाकर पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। अपने भाषण के दौरान वो नतीजों से इस कदर खुश दिखे कि उन्होंने दिल्ली वालों को फ्लाइंग किस भी दी। भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, वंदे, वंदे। दिल्ली वालों गजब कर दिया आप लोगों ने, आई लव यू। मंच पर मौजूद संजय सिंह और पार्टी नेता गोपाल राय ने माला पहनाकर केजरीवाल को जीत की बधाई दी। गोपाल राय ने तो अपने भाषण में बीजेपी पर भी बड़ा हमला बोला। देशवासियों, इंतजार करो, इस नफरत की राजनीति करने वालों का अंत इस देश की राजधानी दिल्ली से शुरू हो चुका है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी इस बार भी दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाई और 8 सीटों पर ही सिमट गई। आम आदमी पार्टी की इस जीत के बाद दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ता जश्न में डूब गए और विरोधी दलों का सारा गणित, तमाम रणनीतियां और यहां तक कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा भी हवा हो गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक बार फिर जीत गई और न सिर्फ जीती, दूसरी बार 60 से ज्यादा सीटें बटोरने में कामयाब रही। पार्टी कार्यकर्ताओं का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जीत की होली खेली गई। कार्यकर्ता एक दूसरे पर गुलाल उड़ाते नजर आए। वैसे तो रुझानों से ही आम आदमी पार्टी की जीत की खुशबू आने लगी थी, पर जब नतीजे आए तो ये खुशबू पूरी दिल्ली में महकने लगी। उत्सव बता रहा है कि कितनी बड़ी जीत है। आज ये साबित हो गया है कि भैया जी ने शोर शराबा मचा करके भाजपा को दिल्ली में टपने नहीं दिया। दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को पूरी ताकत के साथ एक बार फिर सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने भी उनको धन्यवाद दिया। पार्टी नेता संजय सिंह ने तो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी की जीत को ऐतिहासिक बताया और अपने भाषण के दौरान क्रांतिकारी गीत हम वो इंकलाब हैं भी सुनाया।
झुके न जो हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है, रुके न जो। संजय सिंह ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद बीजेपी पर भी बड़ा हमला बोला। सारी सत्ता, सारी पैसा, सारा ताकत, सारी नफरत उगलने के बाद दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने अपने परिवार के बेटे को प्रचंड बहुमत दिलाया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जीत से नेताओं का ही जोश हाई नहीं दिखा, कार्यकर्ताओं ने भी अपने तरीके से पार्टी की जीत का जश्न मनाया। आप ये जो संतरे बांट रहे हैं ये फ्री में बांट रहे हैं? हाँ जी, फ्री में बांट। क्या वजह है? ये खुशी में बांट रहे हैं। केजरीवाल जीते हैं इसलिए खुशी में। अच्छा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे एक बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की शराब की दुकान में काम करने वाले एक आदमी से करीब 80,000 रुपए लूटने के बाद सभी बदमाश एक सफेद गाड़ी में जंगल की तरफ भाग गए, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने बदमाशों की गाड़ी का पीछा किया और जंगल को घेर लिया। पुलिस के मुताबिक इस बीच एक बदमाश गाड़ी से नीचे कूद गया और उन पर फायरिंग करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अरुण उर्फ बंटी नाम का बदमाश घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी थी। घायल बदमाश को पकड़कर पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया। जो बदमाश था उसने पैसे बचाने के चक्कर में पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कि बदमाश को गोली लगी है। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने करीब 48,000 रुपए और देसी कट्टा बरामद किया। हालांकि गाड़ी में सवार दूसरे बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। दिल्ली में बम्पर जीत के बाद अरविंद केजरीवाल अपने परिवार और मनीष सिसोदिया के साथ कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे। दिल्ली के चुनाव में हनुमान लगातार चर्चा में रहे, जिसकी शुरुआत खुद अरविंद केजरीवाल ने न्यूज 18 के कार्यक्रम एजेंडा दिल्ली में की थी। और शायद यही वजह रही कि दिल्ली में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने हनुमान की पूजा की। प्रचंड बहुमत से जीत के बाद अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं प्राचीन हनुमान मंदिर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं इस वक्त प्राचीन हनुमान मंदिर। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी यहां पर पहुंची हुई है। इस दौरान केजरीवाल की पत्नी और उनके बच्चे भी उनके साथ रहे। मंदिर के पुजारियों ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लाल रंग की चुनरी भी ओढ़ाई। हनुमान मंदिर से कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली में वोटिंग से एक दिन पहले भी आई थी, जब अरविंद केजरीवाल जीत की दुआ मांगने पहुंचे थे। दिल्ली के चुनाव में हनुमान की एंट्री 3 फरवरी को तब हुई थी जब अरविंद केजरीवाल ने न्यूज 18 के कार्यक्रम एजेंडा दिल्ली में अपने हिंदू विरोधी होने के आरोपों पर सफाई दी थी और खुद को हनुमान भक्त बताया था। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बर नौ रघुबर बिमल यश जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार। न्यूज 18 के मंच पर अरविंद केजरीवाल के हनुमान चालीसा पढ़ने पर खूब सियासत भी हुई। बीजेपी ने उन्हें इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश भी की। यही वजह रही कि जीत के बाद जब केजरीवाल मंदिर से बाहर निकले तो इशारों में बीजेपी पर तंज कसने से नहीं चूके। और हनुमान जी सबका भला करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी हनुमान पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान जारी रहा। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान इसी मुद्दे पर दोनों पार्टियों के बीच जमकर वार पलटवार का दौर चला था, लेकिन नतीजों के बाद भी दोनों पार्टियां हनुमान के मुद्दे पर एक बार फिर आमने सामने आ गईं। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता और ग्रेटर कैलाश सीट से विधायक चुने गए सौरभ भारद्वाज ने बजरंगबली से जुड़ा एक ट्वीट कर बीजेपी पर तंज कसा। इस ट्वीट के बाद सौरभ भारद्वाज मीडिया के सामने आए और उन्होंने एक बार फिर बीजेपी की हार पर कटाक्ष किया। हनुमान जी ने इनकी लंका जो है उसकी लंका में आग लगा दी, इनकी लंका में, और इनको जो है उनका जो गुस्सा है वो आज 11 तारीख को मंगलवार के दिन हनुमान जी के दिन जो है वो झेलना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली में प्रचंड जीत मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने भाषण में बजरंगबली का जिक्र करते हुए उन्हें जीत के लिए धन्यवाद दिया। हनुमान जी का दिन है, हनुमान जी ने आज अपनी दिल्ली पे कृपा बरसाई है, हनुमान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
इससे पहले बीजेपी के नेता विजय गोयल ने वोटों की गिनती शुरू होने से ठीक पहले हनुमान मंदिर पहुंचकर बजरंग बली के दर्शन किए। इस दौरान न्यूज 18 ने उनसे बातचीत की, जिसमें उन्होंने दिल्ली में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। दिल्ली में बीजेपी बहुमत से सरकार बनाएगी, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। कितनी सीटें सर, क्या लगता है सर आपको, कितनी सीटें? बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। हाँ, रुको। और हनुमान जी की कृपा हम पर होगी। आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर दिल्ली की सत्ता संभालने वाली है। जानकारी के मुताबिक आज 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल अपने घर पर आम आदमी पार्टी के जीते हुए विधायकों के साथ बैठक करेंगे। 70 सीटों वाली विधानसभा में 62 सीटों पर जीत दर्ज कर आम आदमी पार्टी ने विपक्ष का सफाया कर दिया। बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस 2015 की तरह इस बार भी खाता नहीं खोल पाई। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद कई विपक्षी पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल को बधाई दी और बीजेपी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाई, जिसके बाद देश भर की विपक्षी पार्टियों ने उन्हें जीत की बधाई दी। पश्चिम बंगाल में तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की जीत की खुशी में जश्न भी मनाया और जमकर आतिशबाजी की। टीएमसी कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी की जीत की जितनी खुशी थी, उससे कहीं ज्यादा खुश वो इस बात से थे कि दिल्ली में बीजेपी हार गई। यही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अरविंद केजरीवाल को जीत की बधाई देते हुए यही बात कही। The hectic politics will not work for this country. It is a battle. I congratulate the Delhi voters. Delhi is our capital. This is a victory of the people. It is a victory of the democracy. It is a victory of Arvind Kejriwal. समाजवादी पार्टी ने भी दिल्ली के नतीजों को विकास की जीत बताया और बीजेपी पर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी के पास अनुभव है नफरत फैलाने का, और उन्हें एक चुनाव नहीं कई चुनाव में यही देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने जो संदेश दिया है विकास का, वो पूरे देश में जाएगा। बीजेपी के विरोधियों के मुताबिक दिल्ली के चुनाव के नतीजे आने के बाद देश में विपक्षी पार्टियों की एकता बढ़ेगी, क्योंकि उनका आरोप है कि बीजेपी विकास पर नहीं लोगों को बांटकर चुनाव जीतना चाहती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी ऐसे ही आरोप लगाया और अरविंद केजरीवाल के काम की तारीफ करते हुए उन्हें बधाई दी। जबकि उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करके दिल्ली के नतीजों पर खुशी जताई। खास करके सबसे बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि अगर आप गद्दार, एंटी नेशनल, देशद्रोही जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, गोली मारने का इस्तेमाल करेंगे, हिंदू मुसलमान में बंटवारा करेंगे, तो यही नतीजे आपको हर राज्य में मिलेंगे। वहीं दिल्ली में खाता नहीं खोल पाने वाली कांग्रेस पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी को जीत की बधाई दी और अपनी हार पर दुख जताने के बजाय बीजेपी की हार पर खुशी जाहिर की। Revive the party in Delhi, but at the same time we are happy that most toxic campaign unleashed by the Prime Minister and the Home Minister, led by them, by the BJP, was defeated by the people of Delhi. विपक्ष के तीखे हमलों के बीच प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल को जीत की बधाई दी और उम्मीद जताई कि इस जीत से दिल्ली में तेजी से विकास होगा। बीजेपी नेताओं ने भी केजरीवाल को बधाई दी। दिल्ली की जनता का ये जो जनादेश है, उसको सर माथे रखते हुए मैं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को ट्वीट कर बधाई दी। साथ ही उन्होंने दिल्ली के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भी उन्हें शुभकामनाएं दी, जिसके जवाब में केजरीवाल ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने की इच्छा जाहिर की। गुजरात के सुरेंद्रनगर में एक छात्रा के शारीरिक शोषण का मामला सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शारीरिक शोषण का आरोप एक स्कूल के हॉस्टल संचालक पर लगा, जिसके बाद हॉस्टल में रहने वाली दूसरी छात्राओं के रिश्तेदारों ने जमकर हंगामा किया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे को जैम कर दिया और टायर जलाकर अपना विरोध जताने लगे। आरोप है कि इस बीच प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। इससे पहले कुछ छात्राओं और उनके घर वालों ने स्कूल में भी हंगामा किया और वहां खड़ी स्कूल बस पर पथराव किया। कुछ लड़कियां स्कूल की खिड़कियों पर पत्थर बरसाती नजर आईं। हंगामा कर रहे सभी लोगों ने आरोपी हॉस्टल संचालक पर जल्द कार्रवाई की मांग की। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार जीत दर्ज की। इसी के साथ उन्होंने पूर्व सीएम शीला दीक्षित के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली।
क्योंकि शीला दीक्षित भी तीन बार इसी सीट से जीतने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी, जिसकी बराबरी करते हुए अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से जीत की हैट्रिक लगा दी, जिसे केजरीवाल ने दिल्ली वालों की जीत बताया। सभी दिल्ली वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरी बार अपने बेटे पे भरोसा किया। ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। हालांकि नतीजों के ऐलान से पहले ही केजरीवाल के सामने खड़े बीजेपी उम्मीदवार सुनील कुमार यादव ने हथियार डाल दिए थे। एक बात जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है, अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर चुनाव, क्योंकि पार्टी ने भरोसा किया, संगठन ने भरोसा किया, और हमारी वजह से संगठन का कोई नुकसान होता है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने अपनी सरकार के काम के बूते लोगों से वोट मांगे थे, जिस पर बीजेपी ने केजरीवाल को खूब घेरने की कोशिश की थी। यही वजह रही कि केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी की शानदार जीत से उत्साहित मनीष सिसोदिया ने बिना नाम लिए बीजेपी पर वार किया। जब तक कौमों को लड़ाने में काम करते रहेंगे। जब मनीष सिसोदिया के इस वार का जवाब बीजेपी नेता अनिल विज ने आम आदमी पार्टी की जीत पर तंज कस के दिया। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच रहा, जिसमें केजरीवाल ने बीजेपी के सुनील यादव को हराकर शीला दीक्षित के रिकॉर्ड की बराबरी की। इसी के साथ नई दिल्ली सीट, जो 2008 से पहले गोल मार्केट विधानसभा क्षेत्र था, वहां से जीतने वाला विधायक छठी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। अरविंद केजरीवाल ने पहली बार 2013 में तीन बार की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को हराया था। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस के समर्थन से केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, मगर 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देकर विधानसभा भंग कर दी थी, जिसके बाद 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने कांग्रेस की किरण वालिया और बीजेपी की नुपुर शर्मा को हराकर दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री वो बने थे। मुंबई के जियो गार्डन में 20वें लैक्मे फैशन वीक का आयोजन किया गया। इस फैशन शो का आयोजन रिलायंस ट्रेंड्स की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर एक्टर विक्की कौशल और जानवी कपूर ने शिरकत की। इस बीच अलग अलग परिधानों में मॉडल्स ने रैंप पर वॉक भी किया। शो के समय रैंप पर उतरने वाले एक्टर विक्की कौशल और जानवी कपूर ने रिलायंस ट्रेंड्स के नए कलेक्शन की जमकर तारीफ की। वहीं रिलायंस ट्रेंड्स के सीईओ विपिन त्यागी ने बताया कि फैशन को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने 300 शहरों में अब तक 1000 से ज्यादा स्टोर खोले हैं। 2020 के अंदर 20 साल सेलिब्रेट करना इट राइम्स वेरी वेल, सो इट ऑगर्स वेरी वेल। सो लैक्मे फैशन वीक इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एनी इंडियन फैशन डिजाइनर टू शोकेस देयर टैलेंट। आई एम वेरी हैप्पी दैट रिलायंस ट्रेंड्स हैज ब्रॉट टुगेदर सो मेनी टैलेंटेड एंड फ्रेश एंड न्यू डिजाइनर्स एंड शोकेस्ड ऑल ऑफ देयर वंडरफुल वर्क्स। आम आदमी पार्टी शाहीन बाग वाले इलाके ओखला विधानसभा क्षेत्र में तो जीती ही, इसके साथ ही जहां मुस्लिम वोट निर्णायक थे उन सभी सीटों पर भी बड़ी जीत उसने हासिल की। दिल्ली की ऐसी सभी 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई, जबकि बीजेपी 2015 में जीती हुई मुस्तफाबाद सीट भी नहीं बचा पाई। जिन सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक थे उनमें केजरीवाल का ही पलड़ा भारी रहा, और इसकी शुरुआत ओखला सीट से हुई, जहां शुरुआती दौर की वोटों की गिनती के बाद ही आम आदमी पार्टी के अमानतुल्ला खां आगे निकले और करीब 82% वोट लेकर जीत गए। अमानतुल्ला ने जीत का श्रेय केजरीवाल सरकार के काम को दिया। मोहब्बत की राजनीति की, सबको साथ लेकर चले, इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी नफरत फैलाने में, लेकिन आखिरकार 2 करोड़ दिल्ली की जनता की जीत हुई है। दिल्ली में जिन 10 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोट निर्णायक हैं उनमें रिठाला, चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मारान, ओखला, शाहदरा, सीमापुरी, सीलमपुर, बाबरपुर और मुस्तफाबाद आते हैं। इन सभी सीटों पर मुस्लिम समुदाय के 30% से ज्यादा वोट हैं। इन इलाकों में शाहीन बाग का ऐसा असर रहा कि कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए शोएब इकबाल न केवल खुद मटिया महल से जीते बल्कि आसपास के इलाकों में भी झाड़ू का जोर चला। कहा गया था हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है, हिंदुस्तान जीत गया, हिंदुस्तान जीत गया, हिंदुस्तान जीत गया। शोएब इकबाल कांग्रेस के पुराने कद्दावर नेता रहे हैं, इसलिए उनके आम आदमी पार्टी में आने का असर मटिया महल के आसपास की सीटों पर भी पड़ा। बल्ली मारान और चांदनी चौक जैसी सीटों पर कांग्रेस की हालत और खराब हो गई। इनमें मटिया महल में तो शोएब इकबाल ने अकेले 75% वोट लेकर कांग्रेस को महज 3% और बीजेपी को 20% पर समेट दिया। शोएब इकबाल ने ऐसी जीत के बाद बीजेपी को नसीहत भी दी। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ ये सबक लेना है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी इतने
फुल बहुमत के साथ आ रही है वो उनके काम पर आई है। कांग्रेस के एक और दिग्गज चौधरी मतीन अहमद ने सीलमपुर में पूरी ताकत झोंकी थी लेकिन उन्हें सिर्फ 16% वोट ही मिल पाए। वहां आम आदमी पार्टी के अब्दुल रहमान को 56% वोट मिले जिन्होंने बीजेपी के कुशल कुमार मिश्रा को करीब 28% वोटों पर रोक दिया। आप ही लोग पहले से बता रहे थे और कांग्रेस वहां पे अपना ग्राउंड खो गई है उसके लिए कांग्रेस जो है समीक्षा करेगी। ऐसे ही नतीजे बाबरपुर शाहदरा सीमापुरी और मुस्तफाबाद जैसे इलाकों से भी आए। चांदनी चौक में पिछली बार अलका लांबा को आम आदमी पार्टी से जीत मिली थी लेकिन इस बार कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरी अलका लांबा अपनी सीट नहीं बचा पाई। वोटों की गिनती खत्म होने से पहले ही उन्होंने ट्विटर पर अपनी हार मान ली। मुस्तफाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार ने तो अपनी हार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। यहाँ एंटी बीजेपी वोट पड़ा है और इसलिए मैं समझता हूँ कि केजरीवाल जी की दोबारा गवर्नमेंट बनी है। बीजेपी को मुस्तफाबाद से बहुत ज्यादा उम्मीद थी लेकिन पार्टी पिछली जीत दोहरा पाने में नाकाम रही। बीजेपी के जगदीश प्रधान ने 42% वोट लेकर आम आदमी पार्टी के हाजी यूनुस को टक्कर तो दी लेकिन अपनी हार टाल नहीं पाए। पोलिंग जो हुआ है वो साइन बाग की जीत हुई है और विकास की हार हुई है। कांग्रेस ने बल्ली मारान से एक और दिग्गज हारून यूसुफ को उतारा था लेकिन वो महज 5% वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन 64% से ज्यादा वोट लेकर जीत गए। मध्य प्रदेश के देवास में कुछ किसानों ने अपनी मांगे पूरी न होने पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध जताने के लिए प्रदर्शनकारी अपने हाथ एक भैंस लेकर वहां पर पहुंचे थे और उस पर एमपी सरकार लिखकर उसके आगे सांकेतिक बीन बजानी शुरू कर दी। कुछ किसान भैंस के आगे बैठ गए जबकि कुछ खड़े होकर विरोध करते रहे। कर्ज माफी और फसलों की बीमा की रकम देने समेत कई मांगों पर किसानों ने प्रदर्शन किया और राज्य की कमलनाथ सरकार के खिलाफ काफी देर तक नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने राज्य सरकार से जल्द उनकी मांगों पर ध्यान देने की अपील भी की। 2 लाख की कर्ज मुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए, राहत राशि का संपूर्ण का वितरण शीघ्र किया जाए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल की धड़कनें पटपड़गंज सीट का हाल देखकर थम गई थी जहां डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कांटे की टक्कर के बाद चुनाव जीत पाए क्योंकि वोटों की गिनती के पहले 10 राउंड तक तो मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे थे। एक समय तो ऐसा लगा कि कहीं बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर न कर दें। इसीलिए अक्षरधाम पर बने मतगणना केंद्र पर खुद मनीष सिसोदिया हर राउंड के बाद वोटों का हिसाब समझने में जुटे थे। 10वें राउंड के बाद जब ईवीएम खुलनी शुरू हुई उनसे निकले वोटों से मनीष सिसोदिया और उनके समर्थकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और आखिरी राउंड के वोटों की गिनती से पहले ही साफ हो गया कि सिसोदिया की जीत पक्की है। उन्होंने माना भी कि बीजेपी ने उनकी जीत की राह मुश्किल बना दी थी। बीजेपी ने काफी नफरत की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, बीजेपी ने काफी इस बात की कोशिश की कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ पड़े, लेकिन मुझे खुशी है कि पटपड़गंज के मेरे वोटर्स, पटपड़गंज के मेरे भाई बहन बटे नहीं। मनीष सिसोदिया जब काउंटिंग सेंटर से बाहर निकले तो उनके समर्थकों ने जय हनुमान का नारा भी लगाया। बाद में मनीष सिसोदिया बैंड बाजे के साथ पार्टी का झंडा लहराते हुए पार्टी कार्यालय के लिए रवाना हो गए। लेकिन मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज सीट लगातार तीसरी बार बरकरार रखने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। उनकी जीत का अंतर भी पहले के मुकाबले बहुत कम रहा और वो इस बार सिर्फ 3,271 वोट से चुनाव जीत पाए जबकि 2015 में मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को 28,791 वोट के अंतर से हराया था। वहीं 2013 में उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव 11,476 वोट से जीता था। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने आम आदमी पार्टी को बधाई दी। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने दिल्ली चुनाव में जीत दर्ज करने पर आम आदमी पार्टी को बधाई दी, साथ ही उन्होंने बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर आत्ममंथन करने की सलाह दी। कहीं ना कहीं सीट उनकी कम पड़ी, अब उन्होंने इसका एनालिसिस करना चाहिए। भोपाल में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया और दिल्ली चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला। आज ऐसा करंट लगाया। बिहार के छपरा में गांव के करीब 20 घरों में भीषण आग लग गई, जिस पर दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया।
यूपी के एटा में पुलिस ने एक महिला को सास की पिटाई करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई बहू के जरिए सास की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद की गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सड़क पर खड़ी एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। बताया गया कि आग गैस किट से फैली और देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे अच्छा प्रदर्शन पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली 10 सीटों पर रहा, जहां 3 सीटें बीजेपी ने जीत ली। हालांकि वहां से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर मायूस दिखे और उन्होंने माना कि बीजेपी से जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं चूक हो गई कि हमने पूरा एफर्ट किया था, हर तरीके का एफर्ट किया था और शायद हम जनता को कन्विंस नहीं कर पाए। सो आम आदमी पार्टी सरकार फिर से बनाएगी, अरविंद केजरीवाल जी फिर से सीएम बनेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्वी दिल्ली में बीजेपी के लिए रैली भी की थी। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की रैली से बीजेपी को फायदा हुआ। जहां 2008 के बाद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया और 10 में 3 सीटें जीतकर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के इलाके में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को अच्छी टक्कर दी। 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 9 और बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को 5, बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान 10 में 9 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिली थी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक बाइक सवार लड़के ने एक मकान पर फायरिंग कर दी। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि लड़के ने पहले अपनी बाइक उस मकान के बाहर रोकी और फिर बाइक पर बैठे बैठे उसने पिस्तौल से मकान की ओर गोली चला दी। गोली चलाने के बाद वो लड़का बड़े आराम से बाइक पर बैठकर वहां से निकल गया। घटना के सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी लड़के की तलाश तेज कर दी। लड़की के परिवार द्वारा मना किए जाने पर आज उसके द्वारा लड़की के घर पर जाकर फायरिंग की गई, जो कि दीवार पर जाके लगी। इस संबंध में परिवार से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। लड़के की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं, दबिश दी जा रही है, जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पार्टी बदलने वाले नेताओं के भाग्य का भी फैसला हो गया। दिल्ली के दंगल में ताल ठोकने वाली तीनों बड़ी पार्टियों ने कई दल बदलू नेताओं को टिकट दिया, जिनमें आम आदमी पार्टी सबसे आगे रही, क्योंकि उसने 11 ऐसे नेताओं को टिकट दिया था जो कांग्रेस या बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। इन नेताओं में सबसे चर्चित नाम कांग्रेस के पूर्व सांसद और दिल्ली में पूर्वांचल का चेहरा माने जाने वाले महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा का है, जिन्हें आम आदमी पार्टी में शामिल होने के अगले ही दिन द्वारका सीट से टिकट मिल गया और उन्होंने वहां से जीत भी हासिल कर ली। वहीं कांग्रेस के टिकट पर द्वारका से चुनाव लड़ने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री को हार का मुंह देखना पड़ा। आदर्श शास्त्री ने 2015 में इस सीट से आम आदमी पार्टी को करीब 40,000 वोटों से जीत दिलाई थी, लेकिन विनय मिश्रा को टिकट देने के लिए इस बार उनका टिकट काट दिया गया, जिसकी वजह से आदर्श शास्त्री नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस के टिकट पर द्वारका से चुनाव लड़े, लेकिन जीत उनकी झोली में नहीं आई। जबकि इस सीट से 2 बार विधायक रह चुके बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न राजपूत भी कोई करिश्मा नहीं कर पाए। द्वारका के अलावा बदरपुर सीट पर भी सबकी नजर थी। इस सीट से बीजेपी के रामवीर सिंह विधुड़ी को जीत मिली। इस सीट के लिए आम आदमी पार्टी में खूब खींचतान हुई, क्योंकि इस सीट से भी आम आदमी पार्टी ने अपने जीते हुए उम्मीदवार एनडी शर्मा का टिकट काट दिया। और कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाले पूर्व विधायक राम सिंह नेताजी को टिकट दिया। राम सिंह नेताजी ने विनय मिश्रा के साथ पार्टी ज्वाइन की थी, जिसके अगले ही दिन उन्हें आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बना दिया गया था। इससे पहले बदरपुर सीट के लिए आम आदमी पार्टी में जबरदस्त लड़ाई हुई थी, क्योंकि टिकट कटने की वजह से एनडी शर्मा बुरी तरह भड़क गए थे और उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीएसपी का दामन थाम लिया था। यही नहीं, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने मेरे से 10 करोड़ रुपए की डिमांड करी थी, तो मैं उसी दिन उनसे मना करके आ गया था और जब तक कोई टिकट विकट डिक्लेयर नहीं हुई थी उससे पहले ही मैंने अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि एनडी शर्मा ने आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ। हालांकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पक्ष में जो माहौल बना, उसमें कई ऐसे नेता जीत गए जो चुनाव से ठीक पहले अपनी पार्टी छोड़कर आए थे। इन नेताओं में शोएब इकबाल भी शामिल हैं, जिन्हें मटिया महल सीट से जीत हासिल हुई। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र गुप्ता को बड़े अंतर से हराया और जीत के बाद उन्होंने सीधा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी पर हमला किया। मनोज तिवारी को भी रिजाइन कर देना चाहिए, मैं समझता हूं कि थोड़ी देर में कर भी देंगे, नहीं करते तो दिल्ली की जनता उनसे खुद रिजाइन मांगेगी, हम रिजाइन मांगेंगे। मटिया महल विधानसभा सीट चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है।
और ये दिल्ली की सबसे पुरानी विधानसभा सीटों में एक है। इस बार आम आदमी पार्टी के टिकट पर वहां से जीतने वाले शोएब इकबाल पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें मटिया महल से टिकट दिया और पिछले चुनाव में वहां से जीतने वाले आम आदमी पार्टी के आसिम अहमद खान का पत्ता कट गया। आसिम अहमद खान का को पिछली बार करीब 60% वोट मिले थे और इस बार भी पार्टी को वहां बंपर जीत मिली, लेकिन ये जीत शोएब इकबाल ने दिलाई। ये छठा मौका है जब शोएब इकबाल मटिया महल से विधायक चुने गए, जहां एक और चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले ज्यादातर नेताओं को जीत मिली, तो वहीं आम आदमी पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं की किस्मत अच्छी नहीं रही, जिनमें कपिल मिश्रा का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि बीजेपी के टिकट पर मॉडल टाउन से चुनाव लड़ने वाले कपिल मिश्रा को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश पति त्रिपाठी ने मात दी। चुनाव प्रचार के दौरान कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ तीखे तेवर दिखाए थे, लेकिन नतीजे आने के बाद उनका अंदाज बदल गया और उन्होंने मुस्कुराते हुए केजरीवाल को जीत की बधाई दी। मैं अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को इस शानदार जीत की बधाई देना चाहता हूं और मेरे को लगता है कि आज जीतने वालों का दिन है, उनको बधाई देने का दिन है। चुनाव प्रचार के दौरान कपिल मिश्रा ने पाकिस्तान का नाम लेते हुए एक विवादित ट्वीट किया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की थी। यही वजह है कि कपिल मिश्रा को हराने वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने इसी बात का जिक्र किया और कपिल मिश्रा को खरी खरी सुनाई। आज सही मामले में लोकतंत्र में जनता ने साबित कर दिया है कि कितने भी गुमराह करने की कोशिश करें, भारत की एकता और अखंडता हमेशा रहेगी और उसको अक्षुण रखने के लिए और विकास के नाम पर लोग वोट करेंगे। एक दौर था जब कपिल मिश्रा को अरविंद केजरीवाल के बेहद करीब माना जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने बागी तेवर दिखाए और करावल नगर सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक रहते हुए केजरीवाल सरकार पर हमले बोले। यही नहीं, कुछ दिन बाद वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और पार्टी के टिकट पर करावल नगर सीट की जगह मॉडल टाउन से चुनाव लड़ा, जहां उन्हें नए सिरे से चुनाव प्रचार करना पड़ा, जबकि आम आदमी पार्टी ने वहां से दो बार विधायक रहे अखिलेश पति त्रिपाठी को मैदान में उतारा और उन्होंने कपिल मिश्रा को 10,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। कपिल मिश्रा के अलावा आम आदमी पार्टी छोड़ने वाली अलका लांबा भी चुनाव हार गई। वो चांदनी चौक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी और उन्हें कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए प्रहलाद साहनी के हाथों शिकस्त मिली, जिसके बाद उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया और हार मानी। इस ट्वीट में उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीर पर नतीजे स्वीकार करने की बात लिखी। अलका लांबा पिछली बार चांदनी चौक विधानसभा सीट से जीती थी, लेकिन चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई और एक बार फिर चांदनी चौक विधानसभा सीट से किस्मत आजमाई, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि वहां की जनता उन्हें एक बार फिर चुनेगी। यही वजह है कि कांग्रेस से टिकट पाने के लिए उन्होंने लड़ाई भी लड़ी, क्योंकि कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल भी चांदनी चौक सीट पर दावेदारी ठोक रहे थे, जिसकी वजह से दोनों नेताओं में जबानी जंग भी छिड़ी और आखिरकार कांग्रेस आलाकमान ने अलका लांबा को टिकट दिया, लेकिन इस बार वो चांदनी चौक से नहीं जीत पाई और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रहलाद सिंह सानी ने उन्हें मात दे दी। हैरान करने वाली बात तो यह कि अलका लांबा आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गई थी, जबकि प्रहलाद सानी कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। हरियाणा के सोनीपत में चालान से बचने के लिए बाइक सवार तीन लड़कों ने होमगार्ड के एक जवान को बाइक के साथ घसीट दिया। घटना उस वक्त हुई जब एक बाइक पर बैठे तीन लड़कों को उस होमगार्ड के जवान ने रुकने का इशारा किया, लेकिन रुकने के बजाय उन्होंने चलती बाइक से ही होमगार्ड जवान को पकड़ लिया और घसीटना शुरू कर दिया। करीब 500 मीटर तक घसीटने के बाद बाइक सवार लड़कों ने एक चौराहे पर जवान को फेंक दिया। इस बीच होमगार्ड का वो जवान एक कार की चपेट में आने से बाल बाल बचा। बाइक के पीछे से आ रही एक कार में सवार आदमी ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने होमगार्ड जवान की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। अभी वहाँ के जो कैमरा वगैरह है उनमें सर्च करके उनको जल्दी आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ उनको अरेस्ट किया जाएगा। दिल्ली चुनाव के नतीजों के लिए वोटों की गिनती शुरू भी नहीं हुई थी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने नतीजों के इशारे कर दिए। अपने अपने हिस्से की हार जीत को लेकर दोनों दलों ने सोमवार की रात को अपने दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए, जिसमें बीजेपी के पोस्टर ने सबका ध्यान तो खींचा ही, कुछ लोगों को हैरान भी कर दिया। बीजेपी के दफ्तर के बाहर पोस्टर में हार से हताश नहीं होने का जिक्र था। ये पोस्टर यहाँ पर है जहाँ पर अमित शाह की तस्वीर लगी हुई है और साथ में लिखा हुआ है कि विजय से हम अहंकारी नहीं होते और पराजय से हम निराश नहीं होते। हालांकि वोटों की गिनती शुरू होने से पहले अंदेशों ने विजय गोयल को हनुमान मंदिर पहुंचा दिया। गोयल जब मंदिर से बाहर निकले तो जीत के दावों के बीच वो भी बोल गए जिसे मानने से पार्टी अब तक बच रही थी। गीता में लिखा है कर्मण्येवास्तु गारस्ते
महाफलेशो कदाचन। हमारा काम है कर्म करना, फल देना उसका काम। बीजेपी दफ्तर से अलग माहौल आम आदमी पार्टी के दफ्तर में था, जहां नतीजों से पहले ही दिल्ली में केजरीवाल के दावों वाले पोस्टर टंग गए थे। बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं, अच्छे होंगे 5 साल दिल्ली में तो केजरीवाल, ये बिल्कुल अभी अभी लगाए गए हैं, और ये वो नारा था जो दूसरे चरण में आम आदमी पार्टी ने दिया था। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने पार्टी के इस भरोसे की वजह को छुपाया नहीं। फोन आ रहे हैं और बीजेपी के लोगों के फोन आ रहे हैं कि भाई लड्डू तो खिला दोगे हमें। वाराणसी में पुलिस से हुई मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश राजेश दुबे उर्फ टुन्ना मारा गया। राजेश उर्फ टुन्ना जेल से भागा हुआ अपराधी था, जिसकी तलाश पुलिस को काफी वक्त से थी। गाजीपुर के रहने वाले राजेश दुबे पर गैंगस्टर समेत कई संगीन मामले कई जिलों में दर्ज थे। देर शाम हुई इस मुठभेड़ में पुलिस का एक सिपाही भी घायल हुआ। मारे गए बदमाश के पास से पुलिस ने एक पिस्तौल और कई गोलियां बरामद की हैं। राजेश दुबे उर्फ टुन्ना है, वो जेल से भागा हुआ भी है और 1 लाख का इनामिया भी था। यहाँ पर मुठभेड़ हुई जिसमें इसमें हमारे एक एसटीएफ के कमांडो को भी गोली लगी है, गोली आर पार हो गई है और अभी उनका इलाज चल रहा है बनारस में। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में अपने 15 विधायकों का टिकट काट कर नए चेहरों पर बड़ा दाव खेला था और इनमें कई सीटों पर उसे बगावत का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन नतीजे बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव में जो भी पत्ते फेंके वो उसके पक्ष में ही गिरे। मतलब नए चेहरों पर खेला गया दांव कमाल कर गया। आम आदमी पार्टी ने 15 सीटों पर विधायकों के टिकट काटे थे। इनमें राजेंद्र नगर की सीट भी थी जहां से पार्टी नेता राघव चड्ढा उम्मीदवार बनाए गए। वैसे तो राघव चड्ढा ने लोकसभा में भी दक्षिण दिल्ली से अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन वो तब हार गए थे, पर विधानसभा में उनकी किस्मत चल गई और वो जीत गए। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं, यहां आप देख सकते हैं कंधे पर उनके समर्थकों ने उन्हें उठा लिया है। तस्वीरों में आप देखिए राजेंद्र नगर विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते। ये जीत केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जीत है, केजरीवाल जी के डेवलपमेंट मॉडल की जीत है, और ये दिल्ली के बड़े बेटे दिल्ली के श्रवण कुमार आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की जीत है। राजेंद्र नगर के अलावा मटिया महल से भी आम आदमी पार्टी उम्मीदवार बदला गया था और ये फैसला भी उसके पक्ष में गया और वो मटिया महल सीट जीत गई। वैसे 2015 में इस सीट से आसिम मोहम्मद खान आम आदमी पार्टी की टिकट पर जीते थे और तब उन्होंने कांग्रेस के शोएब इकबाल को मात दी थी, पर बाद में हुआ ये कि शोएब इकबाल चुनाव से कुछ वक्त पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और पार्टी ने भी उन्हें मटिया महल से टिकट थमा दिया और इस तरह शोएब इकबाल चुनाव जीत गए। देखिए ये जनता की अरविंद केजरीवाल जी की और शाइन बात को हम इसमें मुबारकबाद देते हैं। एनआरसी की हार हुई है, केजरीवाल जी की जीत हुई है। राजेंद्र नगर और मटिया महल की तरह कालकाजी सीट से विधायक अवतार सिंह का टिकट काटने पर कई सवाल खड़े हुए थे। पार्टी ने अवतार सिंह की जगह आतिशी को टिकट दिया था, जो शुरुआती रुझानों में जरूर कड़े मुकाबले में फंसती दिखी, लेकिन बाद में उन्होंने ये सीट निकाल ली। आतिशी ने पहली बार कोई चुनाव जीता, लेकिन ये उनका पहला चुनाव नहीं था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वो मैदान में थी, पर तब इलाका अलग था और सीट थी पूर्वी दिल्ली की। उस चुनाव में आतिशी बीजेपी नेता गौतम गंभीर से हार गई थी, लेकिन विधानसभा में उन्हें पूर्वी दिल्ली से दक्षिण दिल्ली में लाया गया और दक्षिण दिल्ली में भी उन्हें कालकाजी सीट दी गई, जहां उनके लिए मुकाबला कड़ा जरूर था, लेकिन वो जीत गई। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 15 सीटों में वो 14 सीटें जीत ली जिन पर उसे बगावत और भीतरघात का डर था, क्योंकि इन 15 सीटों में 4 सीटें तो ऐसी थीं जिन पर उसके बागी नेताओं ने दूसरी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा, पर वो हार गए। इनमें द्वारका सीट भी शामिल है, जहां लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री का टिकट काटकर विनय मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया था, जो कांग्रेस नेता महाबल मिश्रा के बेटे हैं। आदर्श शास्त्री के फैसले से खफा होकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे और द्वारका से चुनावी मैदान में थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए। उनकी तरह बदरपुर से टिकट कटने पर आम आदमी पार्टी छोड़कर बीएसपी से चुनाव लड़ने वाले एनडी शर्मा थे, वो भी हार गए। हालांकि एनडी शर्मा ने इस सीट पर आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया, क्योंकि इस सीट पर एनडी शर्मा को 10,000 से ज्यादा वोट मिल गए और आम आदमी पार्टी करीब 4,000 वोटों से इस सीट पर बीजेपी से हार गई। यानी एनडी शर्मा की बगावत की वजह से आम आदमी पार्टी को बदरपुर सीट गंवानी पड़ी। हालांकि दिल्ली कैंट से कमांडो सुरेंद्र सिंह और गोकुलपुर से फतेह सिंह भी टिकट कटने पर एनसीपी में शामिल हो गए थे और इन दोनों सीटों पर आम आदमी पार्टी को बगावत का डर था, लेकिन ये दोनों सीटें उसने आसानी से जीत ली।
चुनावी घमासान में शाहीन बाग बड़ा मुद्दा साबित हुआ। ओखला विधानसभा क्षेत्र में आने वाले शाहीन बाग में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्ला खान को दिल्ली में सबसे बड़ी जीत मिली, जिसके संकेत वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही मिलने लगे। शाहीन बाग जिस ओखला विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां वोटों की गिनती के साथ ही जश्न का दौर शुरू हो गया। ये जश्न अमानतुल्ला की जीत के लिए था। लोग चाहते हैं डेवलपमेंट हो, नफरत की राजनीति आज हारी है और डेवलपमेंट जीता है। नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी की तरफ से अमानतुल्ला खान शामिल हुए थे, जबकि पार्टी के बाकी नेताओं ने इससे दूरी बना ली थी। शाहीन बाग के समर्थन में पार्टी के कुछ नेताओं के बयान आए और इन बयानों को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया था। बीजेपी नागरिकता कानून पर शाहीन बाग के धरने के खिलाफ है।